नो, जबकि मैं इससे पहले बोल चुका था, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जो जन संघर्ष यात्रा पूरे महाराष्ट्र में लेकर घूम रहे अपने आदरणीय नेता और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री और खासदार आदरणीय अशोक चव्हाण साहब, पोखरण के प्रभारी AICC के सेक्रेटरी BM संदीप साहब, अपने माजी मंत्री आरिफ नसीम खान साहब, खासदार हुसैन दरवाई साहब और अपने भिवंडी के जिला के अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब, सम्मानीय व्यासपीठ, उपस्थित भाई और बहनों, मैंने इससे पहले भी कहा था कि जिसको अपने भिवंडी वालों ने चुन कर दिया खासदार या के आमदार, लेकिन कोई काम नहीं हुए थे और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और क्योंकि इनका नेता जो है वो मोदी जी है। आप लोगों को याद होगा कि जैसे ये सत्ता में आए, 3 महीने में ही राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इन सभी सांसदों को सिर्फ झूठा बोलने के लिए वो सिखाया है और ये पूरे देश में झूठा बोलते जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का इस देश में और इस राज्य में जब सत्ता आती है तो भिवंडी के ऊपर मालूम नहीं क्यों पावर लूम के ऊपर मंदी आ जाती है और भिवंडी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है तो इस भिवंडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और उसमें खास तौर से मैं कहूंगा कि जो टोरंट पावर तकलीफ दे रही है, अगर फिर से अपन सत्ता में रहते तो जरूर इस टोरंट पावर को अपन हटा दे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जब फिर से सत्ता में आएंगे तो अशोक चव्हाण साहब CM बनेंगे तो सबसे पहले इस टोरंट पावर को यहाँ से हटाएंगे। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।